इतना धरो, समदर्सी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु मेरे अवगुण, प्रभु मेरे अवगुण, प्रभु मेरे अवगुण, चेतना धरो। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर, भी सुंदर, भी विशेष, अद्भुत। कितना भी विशेषण दिया जाए माँ के भजन का, तुमने विशेष राग पर अपनी सब कुछ इनको दिया है। माँ जब गाती है हम लोग मंत्र हो जाते हैं, नाममय हो जाते हैं, भक्ति का वातावरण छा जाता है। लगता है पृथ्वी लोक में नहीं है, मोदयाल देश चले गए, देव देव लोग चले गए। माँ इस तरह से वातावरण भजन के माध्यम से बना देती। तो चरणों में निवेदन है, संगीता माँ का जीवन स्वच्छ भरा हो, उनका निरंतर आशीर्वाद मिलता रहे, और वो इनके पूरे परिवार को आनंद में रखें, स्वस्थ रहें, और पूरे संसार को भजन के माध्यम से उद्बुद्ध करते रहें, भक्ति जागृत करते रहें। मंगल कामना के साथ संगीता माँ को जय गुरु, जय गुरु। सुदूर जय गुरु। पूर्व के बाद सुदूर दक्षिण से आदरणीय अरुण को दूत संबोधन भजन गाएंगे, अंडमान निकोबार से। जय गुरु दादा। परम प्रेमोमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरण में मेरा प्रणाम, और ऑनलाइन में उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। दयाल के रातुल चरण में एक राम जी का भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। राम नाम से तूने बंदी क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदी क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, खो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदी क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदी क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए समय का घोड़ा। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया, एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया, एक बुरा पाया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया, एक बुरा पाया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया, अब भी राम सुमिरले नहीं तो, अब भी राम सुमिरले नहीं तो, पड़ेगा खालिया थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अमृतमय है नाम हरि का तू अमृतमय बन जा, अमृतमय है नाम हरि का तू अमृतमय बन जा,
मन में जोत जला ले तू बस हरि के रंग में रंजा। मन में जोत जला ले तू बस हरि के रंग में रंजा। और जीवन की शौक हरि को, और जीवन की शौक हरि को, यही पड़ेगा पूरा दौड़ा आए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। वैसा ही फल मिले यहाँ जैसा तूने है बोया। वैसा ही फल मिले यहाँ जैसा तूने है बोया। काल शीश पर बैठा इसने, काल शीश पर बैठा इसने, किसी को ना है छोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। की कहे जो चलते है वो ही दुख है पाते। मन की कहे जो चलते है वो दुख ही दुख है पाते। माया के वश में है जो वो और नरक में जाते। माया के वश में है जो वो और नरक में जाते। वो भी अगर अमर बनते थे, वो भी अगर अमर बनते थे, उनका भी भ्रम थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय गुरु दादा। की आवाज के साथ, गूंजता हुआ आवाज के साथ, चारों तरफ दसों दिशा में फैलने वाला आवाज के साथ मैं अरुण कुंडूदा भजन गा कर हमारा सौभाग्य है इस करोना काल में सुदूर दक्षिण से अंडमान निकोबार से हम सुनते हैं अरुणदा के माध्यम से, पूरब से नागालैंड से ज्योति से दीमा माँ, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से ब्रजेश मिश्रा दा, सुदूर सुदूर से हम लोग सुनते हैं कोरोना काल की ये उपलब्धि है। पूरा विश्व, भारत का पूरा विश्व एक सूत्र बंध गया। एक से एक भजन, एक से एक प्रसंग हम निरंतर सुनते रहते हैं। यह प्रभु का विशेष विषम स्थिति में कृपा है। इसके कारण लोगों में अत्यधिक जागृत हुई है, इस प्रांता बढ़ी है,
मिति के संबंध में समझ आया है, ये चीज बहुत बड़ा परिवर्तन का। भजन के संबंध में मैं आगे अनुरोध करूंगा, नागरिका कोष माँ चंडीगढ़ से भजन गाएंगी। जय गुरु दादा, जय गुरु। आज गाने की स्थिति में मुझे लगता है आवाज आ रही दादा, आवाज आ रही दादा। गाइए हेलो। आज नागरिका सहदेव माँ इनकी बहन है जो नहीं ज्वाइन किए हैं रांची से, आज गाएंगी गा रही। स्वागत है, गाइए। ऑनलाइन सभी को मेरे जय गुरु। बंदी पुरुषोत्तम बंदी पुरुषोत्तम। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु के छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है जीवन हार, तो मेरा पार है। गुरु है जीवन हार, तो मेरा पार है। प्रेम का पावन हो, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो रचा है आती जाती शाम में, वो रचा है आती जाती शाम में, वो बसा है प्राण में विश्वास में, बसा है प्राण में विश्वास में। प्राण का पंछी हो, प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु नहीं है व्यक्ति, वो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति, वो है एक शक्ति है। मान यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है, मान यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। धन्य है जिसको हो, धन्य है जिसको यह पद पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है, गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। उसकी करुण कृपा अमित अनूप है, उसकी करुण कृपा अमित अनूप है। किया समर्पण तो हो, किया समर्पण तो शिष्य सब पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु के छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। जरूर दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर, अति सुंदर, देशभक्ति आवाज के साथ, मधुर के साथ माँ गाती है। माँ का जीवन बहुत व्यस्त है, फिर भी मैं देखता हूँ निरंतर सुबह या शाम वह योगदान देती है। बहुत निवेदन है, माँ का जीवन आनंद से भरा हो,
उनका नियंत्रण आशीर्वाद मां करता रहे, छिपका करते रहे। इस मंगल कामना के साथ नगरिका माँ को जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। काफी दिनों के बाद रीटा पिशो माँ उपस्थित है, वे थी रांची में, जहाँ ठाकुर परिवार से उन्हें विंकिता और कई लोग आए थे। रीटा पिशो माँ को प्रकाश गांव से उनसे अनुरोध है भजन गाएंगे। रीटा पिशो माँ आपका स्वागत है, दादा पटना आ गई है। जय गुरु सभी को, आनंदित जय गुरु। जो मेरे प्रीतम से प्रीत कर, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत कर, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम के, जो मेरे प्रीतम के चरण में लागे, जो मेरे प्रीतम के चरण में लागे, मोहे अधिक सुहावे रे, मोहे अधिक सुहावे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे, जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे, मोहे अधिक सुहावे रे, मोहे अधिक सुहावे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम का सेवा डारे, जो मेरे प्रीतम का सेवा डारे, जो मेरे प्रीतम की सेवा डारे, जो मेरे प्रीतम की सेवा डारे, वही नित दिन बारे रे, वही नित दिन बारे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम का रूप निहारे, जो मेरे प्रीतम का रूप निहारे, वही छवि ताके रे, वही छवि ताके रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। तू मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम की चरण लागे, प्रीतम की चरण लागे, वही जग से लागे रे, वही जग से लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे।
मुझे प्यार लागे रे, तू मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मुझे प्यार लागे रे, मुझे प्यार लागे रे, जो मेरे प्रीतम का नाम पुकारे, जो मेरे प्रीतम का नाम पुकारे, जो मेरे का नाम पुकारे, जो प्रीतम का नाम पुकारे, कोई निज धम सिधारे रे, कोई निज धम सिधारे रे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, तू मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, जो मेरे प्रीतम का साथ संभारे, जो मेरे प्रीतम का साथ मारे, जो मेरे प्रीतम का साथ संभारे, से प्रीतम का साथ संभारे, कोई घर को आवे रे, कोई घर को आए रे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, जो मेरे प्रीतम के शरण में आए, जो प्रीतम के शरण में आए, जो मेरे शरण में आए, जो मेरे शरण में आए, वही गुरु दर्जन के रे, वही गुरु दर्जन के रे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, तू मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, भावजन से जो तरना चाहे, भावजन से जो तरना चाहे, भावजन से तरना चाहे, भावजन से जो तरना चाहे, भावजन से जो तरना चाहे, भावजन से जो तरना चाहे, राधा स्वामी गावे रे, राधा स्वामी गावे रे, राधा स्वामी गावे रे, राधा स्वामी गावे रे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, मोहे प्यार लागे रे, जय गुरु दादा, जय गुरु। सुंदर माँ का भजन होता है, जब भी गाती है विशेष गाती है, माँ बहू का हार कृपा है, जो लोग विश्वासी है माँ बहू का निरंतर काम करती रहती, इनके कारण के जीवन में बहू का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा, के बच्चे कुछ पदों पर है, सरस्वती और लक्ष्मी का आशीर्वाद बहू के माध्यम से निरंतर माँ को मिलता रहता है। माँ भी रांची में थी, मुझे लगता 8-10 दिन के लिए थी, मैं चाहूंगा 2-3 मिनट वहाँ के प्रसंग जो ठाकुर परिवार के लोग आए थे 2-3 मिनट माँ बोल देती तो अच्छा लगता। अभी बोल रहे हैं दादा, 2-3 मिनट बस, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट आए हुए हैं, 14 मिनट दादा को तो हम लोग को पता चला था कि 8 को आएंगे, लेकिन 8 को नहीं आके वो हैदराबाद चले गए थे, फिर 14 को दादा आए, कुछ पिंकी दा भी आए, माँ को लेकर आए थे, मेन तो माँ को ही घुमाना था, माँ को कभी बाहर नहीं निकली थी, पूजनीय माँ और पूजनीय बॉडी माँ तीनों लोग थे, साथ में 8 लोग और थे, टोटल 11 आदमी थे, उसमें श्रद्धेय राजू दा भी थे साथ में, और बहुत आनंद आया, इतना अच्छा से इतना प्यार दिए, इतना अच्छा से
समझ नहीं सकते, हम लोग इतना प्यार पाए, इतना प्यार पाए, हम इसका शब्द में वर्णन नहीं कर सकते हैं। ठाकुर परिवार आते हैं, कितनी सरलता से सबको कितना प्यार देते हैं, सब कुछ कैसे बताते हैं चलने के लिए, और किस तरह से समझ ही नहीं पाते हम ही लोग जो है सर पे उठा के बहुत भारी भारी रखे हुए हैं, वैसी बात नहीं है। इतना प्यार देते हैं सो शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस यही हम बोलना चाहते हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जितना प्यार दिए बौद्धि माँ भी उतना ही दी, पूजनीय माँ भी उतना ही दी, पूजनीय दादा भी उतने ही दिए, सब लोग पूछपा दादा को लेकर के हम लोग धन्य धन्य हो गए, बहुत आशीर्वाद लूटे वहां, जो करने में काम करने में जो आनंद आया, उनके खाना बनाने से लेकर उनके पास बैठने पर, उनके रूम में जाने पर, उनका सब तैयारी करने में, इसमें जो आनंद आता था, लगता था कि क्या है स्वर्ग है, वही तो स्वर्ग का अनुभूति हो रही थी। सब हम लोग स्वर्ग का प्राप्त करे हैं, वही मैं आपको बताई हूँ दादा। जय गुरु, दर्शन करके जय गुरु माँ, बहुत सुंदर। जय गुरु, जय गुरु। हमारा इस प्रसंग कार्यक्रम आरंभ होता है, इस प्रसंग के लिए आज के विशेष अतिथि हमारे हैं तथे नरेंद्र नाथ चटर्जी दा, नाम से ही है नरेंद्र नाथ, विवेकानंद का नाम है प्रभु के अनन्य भक्त, नरेंद्र नाथ का प्रभु के अनन्य भक्त है। जब भी आते हैं कुछ विशेष बात कह के जाते हैं, कई बार आए हैं, कई तरह से बात को प्रभु के पति इनका अनन्य भक्ति उनके काम में वह नियंत्रण कैसे करे, प्रभु का काम उसी में लगे रहते हैं, आलोकों को बहुत हिदायत के साथ बोलते हैं, प्रभु का काम आप नियंत्रण लगे रहे, या क्योंकि प्रांता का दोतक है जो इम्पार्ट हम लोगों में कुछ कुछ आ जाता है, भी कुछ बोलते हैं। दादा से निवेदन है, दादा पूरे 50 मिनट ठाकुर भाता अनुभूतियों को सुनाकर हम लोग को बोध करे। आपका स्वागत है पटना संस्थान लाइन में, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, उसके धन्यवाद, आभार। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरा दादा है सो सत्संग के प्रवीण करपी है, एसपीआर में है, उत्तराखंड में रहते हैं दादा। कल मंदिर का उद्बोधन भी हुआ हम लोगों का, अच्छा। कल परसों मतलब संडे को बताते हैं। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। परमाध्या जगत लक्ष्मी श्री श्री बड़ी माँ के रातुल चरण प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के रातुल चरण प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरण प्रणाम। परम पूज्यपाद अविंदा ठाकुर परिवार के सभी के रातुल चरण प्रणाम। मैं इधर ऑनलाइन पे देख रहा था कि जैसे जैसे इष्ट प्रसंग का समय हो रहा है, तो हमारा जो ज्वाइनिंग है इसमें अभी 757 फैमिली है, तो बढ़ रहा था, एक उत्सुकता रहती है। 8 होता है दादा, जो जी दादा फोटो है उसके अलावा 8 और अदर्स 57, 8 जिनका फोटो है 55 है। ओ माय गॉड, ठीक है दादा। तो सर्वप्रथम मैं इस ऑनलाइन सत्संग में पुनः एक बार पटना में कमलदा के माध्यम से पहुंच पाया हूं, तो आप सबका आभार। और इस सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के कुत पंजाधरी कर्मीगण, जाजा का धुर्ज, एसपीआर एवं जो भक्त मंडली बैठे हुए हैं, सभी को मेरा यथा योग्य स्थान पर मेरा जय गुरु। ओम स्वस्ति। उषा विश्वविदा स्वस्ति न अरिष्टे नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम अग्निमिले पुरोहितं यज्ञस्य देवो मितुजरं होतरं रत्नधान्तमं ओमीशे त्रयदस्ता वयोवस्तु देवता सविता प्राप्तयतु श्रेष्ठतमय कर्मणे। ओम महाबम देवो ऋषिर् वीराणो गायत्री छंद शांति कर्माणि जपे विनियोगः। ओम काया निश्रोषा आभुव दुति स्वधा वृधा सखा कया सृष्टतया वृता कस्तोषत्व मदनं मंहिष्ट मदगंधो दीडे चिदारीजे वशु। ओम सखी नह मबीता जरीतनं सताय भवय स्वस्ति नह इंद्रह वृद्धो स्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वविदा स्वस्ति नष्टिनेमि
स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु भवन्त्रिक्षं शान्तिः वनस्पतः शान्ति पृथिवो शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। दादा 50 मिनट का समय है, काफी लंबा समय मिलता है आप लोगों के पास जब आते हैं इष्ट प्रसंग करने का। तो नारी नीति में एक जगह है कि आप अपने परिवार में गंगा जल छिटक के परिवार की इस अग्नि को आप लोग ठंडा करें। तो मैं जो शांति मंत्र है चारों वेदों का, इस वेद मंत्र से अपना इष्ट प्रसंग शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि ठाकुर बोलते हैं पुण्य पोथी में कि इस संसार में, इस संसार रूपी मतलब जंगल में बहुत से बाघ भालू जो है इनके हाथ से परित्राण पाने का एकमात्र नाम है हरि नाम। नाम सुनने पर ये लोग आते नहीं और ये लोग भागते हैं। और ठाकुर बोलते हैं जिस जगह पे हरि नाम कीर्तन नहीं होता है उसको शमशान समझना चाहिए। जिस तरह से शमशान में लोग जाने के लिए डरता है, उसी तरह से जिस जगह पे या जिस शरीर में हरि का नाम कीर्तन नहीं होता है वो जगह शमशान है। और इस शमशान का भूत को भगाने का एकमात्र नाम है ठाकुर बोलते हैं पुण्य पोथी में, वो है अनवरत नाम करना। ठाकुर बोलते हैं नाम करते करते वो शमशान का भूत भी मतलब नाम करता रहता है। और इनके हाथ से एकमात्र परित्राण पाने का, ये जो संसार रूपी ये जो भवसागर, इसमें बाघ भालू तो जंगल में खाते नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये मानव रूपी जो बाघ भालू हमारे चारों तरफ परिवेश में बिखरा हुआ है, न जाने किस तरह से लोगों को नोच नोच के खाते हैं, स्वभाव से, चरित्र से, मन से। लोगों के मन में आज इतने तरह की भ्रांतियां उत्पन्न है, देखने से बड़ा डर लगता है। मैं कभी कभी रात को सोचता हूँ, आहत होता हूँ जब बहुत सारी चीजों से, तब लगता है कि हम लोग थोड़ा सा नाम ध्यान कर पाए, थोड़ा सा ठाकुर के रास्ते में अग्रसर हो पाए, तो हम लोग कोशिश करते हैं निखुत भाव से कि प्रभु को हर चलन के माध्यम से प्रभु को कैसे खुश करें। जब जब उसी चलन में हम लोग चलते हैं और जब हमारे सामने जब उल्टा पलटा चलन से कोई चलता है तो हमें कष्ट होता है, तब मैं कभी कभी सोचता हूँ 81 साल तक वो ठाकुर परमदयाल से ठाकुर कैसे जिंदा रहे। कभी कभी हम लोगों का भी मन लगता है कि दयाल बहुत हो गया, पीठ लग गया दीवार पे, बहुत असहनीय है। फिर सोचता हूं कि इतनी सीमित बुद्धि में हम लोग जितना कुछ समाहित करके चल रहे हैं ठाकुर को लेके, न जाने परमपिता इतने निर्भुल पुरुष इतने भूल के अंदर 81 साल तक कैसे वो शरीर को लेके रहे। तो बीच बीच में श्री बड़दा को बहुत अन्न मनस्क हो जाते थे ठाकुर, मुंह काला होके कहां ठाकुर का मन भी मतलब भटका हुआ रहता था। हटात श्री बड़दा से बोलते थे बड़ो खोका देख तो हमारा 81 बच्चर होते कतदिन आछे, 81 साल होने में मेरे को और कितना दिन है। मैं कमलदा कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसी दुनिया में प्रभु हर एक एक जगह पे अपना वाणी दिए, हर एक एक चलन में, सोने में, खाने में, उठने में, बैठने में, पेशाब करने में, पानी ग्रहण करने में, हर जगह पे। और जब उनके सामने ऐसे उल्टा पलटा चलन लेके हम जब चलते थे प्रभु कितना हाथ होता था। मैं सोच के बड़ा हैरान रहता हूँ कि प्रभु का हम लोगों ने कितना परेशान किया होगा। ऐसे पुरुषोत्तम जिन्होंने दुनिया का हर विषय में वाणी दिया और उनके सामने जब अटपटा सा चलन लेके हम लोग चलते थे तब उनको कितना व्यथा लगती थी। तो सब समय होना चाहिए कि मैं ऐसा प्रभु जिससे खुश हो, मैं ऐसा चलन से चलूं जिससे प्रभु खुश हो। तो कैसे होगा, हम लोग आश्रय स्थल क्या है, वो परमपिता ही आश्रय स्थल है। तो शिवनाथदा से मेरी बात हो रही थी, तो शिवनाथदा परसों हम लोग का जो सत्संग केंद्र मंदिर शक्ति फार्म उत्तराखंड का वर्चुअल पहला पूज्य अविंदा के माध्यम से, और बड़ा खुशनसीब था कमलदा, आप सबका आशीर्वाद हम पे बना रहा, आचार्य देव के शिष्य दादा के आचार्य देव के पारलौकिक काम में आपसे मुलाकात हुई देवघर में। किस परिस्थिति से आया मैं कर्नाटक से, मैं कर्नाटक में मेरा, मैं उत्तराखंड छोड़ के कर्नाटक चला गया था, 4.5 महीने वहां पे रहा, घर द्वार सब बना लिया था, पत्थर वत्थर लग चुका था, लेकिन कौन जाने कि प्रभु की क्या लीला है कि उठा के फिर से उत्तराखंड में लाएंगे। घर द्वार वहां का छोड़ा, परमपिता का वहां काम किया, दूसरे मंजिले के लिए 15 लाख रुपए वहां से हमने ठाकुरवाड़ी में डिपोजिट किया कर्नाटक से। और ऐसा एक दिन आता है कि मन करा कि देवघर जाते हैं, दादा का परलौकिक काम है,
कोशिश किया, नहीं हो पाया, टिकट नहीं था, बिना टिकट में ठाकुरवाड़ी पहुंच गए, कमलदास से मुलाकात हुई और पहले दर्शन में ऐसी मीठा, ऐसे राजेंद्र दा इतने मीठा आप लोग, सच बताऊं परमपिता की ऐसी दया हुई। और मैं जिस दिन कर्नाटक लौटना था, मुझे लौटते वक्त भी ऐसा सिचुएशन था कि बिना टिकट में आया और जाते वक्त भी बिना टिकट का, एक दादा बोले कि दादा सीनियर सिटीजन कोठा में आप लीजिए टिकट। मैंने कहा दादा मैं तो स्वस्थ नहीं करता हूँ, मनमुख एक नहीं होगा, मैं कैसे सीनियर सिटीजन, आई कार्ड अगर मांग लेती थी तो मैं, इतने में मेरी श्रीमती का फोन आता है कि सीनियर सिटीजन में बना लीजिए। हावड़ा स्टेशन पे पहुंचता हूँ, मेरे को फोन करके बताती हैं आप डरिए मत, खूब नाम करिए और आपके बैग में एक गेरुआ रंग का धोती और चोला दुपट्टा मैंने दे रखा था, मेरी पत्नी बोलती है। और बोलते हैं कि हावड़ा स्टेशन पर पहुंचने से पहले उस धोती, जो गेरुआ रंग का भगवा आप पहन लीजिएगा, ऋतिक का धोती उतर के, और वो भगवा गेरुआ कपड़ा, रास्ते में तो ऐसे कुर्ता पायजामा में थे, श्रीमती बोलती है कि कुर्ता पायजामा छोड़ के वो भगवा कपड़ा पहनिए, दंड को हमेशा हाथ में रखिएगा, टीटी आएगा तो टीटी को देख कर खूब नाम करिएगा। दादा बैठा, टीटी दो दो बार आया, झांक के देखा, मैं तो बहुत घबराया हुआ था कि अगर आई कार्ड मांग लेगा तो, मेरा उम्र 35 साल है लेकिन 60 साल के उसमें जा रहा हूँ, सीनियर सिटीजन में बहुत नाम कर रहा हूँ, पसीना से लथपथ हो रहा हूँ। टीटी फिर आता है, एक बार मुड़ के नीचे की तरफ देखता रात को, और पूरा बल्लारी तक यानी कर्नाटक तक पहुंचते पहुंचते कोई टीटी वाला दोबारा मेरे पास नहीं आया। और क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जे जोन कृष्ण भजे से बड़े चतुर, जो कृष्ण को भजता है, जो परम पिता को अपने जीवन में उतारता है, उसका हर समय दिमाग अलर्ट रहता है, वो व्यक्ति हर समय प्रभु की सेवा के लिए, चाहे वो छल से हो, बल से हो, चाहे जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद से जैसे भी हो, प्रभु का काम करने वो पीछे नहीं हटता। वो हर समय दिमाग लगाता रहता है कि प्रभु की सेवा में मैं किसी तरह से विरत ना रहूं। कहने को तो इतना कुछ है कि क्या कहे, लेकिन समय इतना है कि बोलने का मन भी करता है कि कमलदा इतना ओपन खोल देते हैं कि वक्ता को, वक्ता के दिल के जो गहराई की बातें हैं वो बोल पाता है। बल्लरी उतरने से पहले एक फोन आता है लखनऊ सत्संग से कृति गांगुली दा का, मेरी ऋतिक दा के पास, मेरे ऋतिक दा के पास, और मेरी ऋतिक दा के माध्यम से मेरी पत्नी के पास, पत्नी का फोन आता है कि श्रीमान घर जाने का समय आ गया। मैंने क्यों, उत्तराखंड लौटने का। बोला आपको मैंने कितना बार बताया कि कर्नाटक चलिए, अपना केंद्र मंदिर को संभालते हैं, लेकिन मैं सोचा था कि 7-8 साल लग जाएगा मंदिर उद्बोधन होने में, लेकिन पत्नी रोज बताती थी कि नहीं आप घर चलिए, आप वहाँ का मतलब SPR है, आपका काम है वो फील्ड छोड़ के भागने काम नहीं, हम लोग उस फील्ड को सींचते हैं चले जाके। और मैं बल्लरी स्टेशन उतरने से पहले पहले, और इससे पहले देवघर में भी मोहनदा थे, आपके हमारे दादा कमलदा थे मतलब, और छपरा से दादा राजेंद्र प्रसाद दादा भी थे। मैं, मेरे मन में क्या हुआ कि मैं तो कर्नाटक रहता हूँ, एक बार दादा लोगों से निवेदन करता हूँ। पूजत बिंकी दा के ऑफिस में गए, पूजत बिंकी दा से बोला कि दादा मैं तो उत्तराखंड का हूँ, शक्ति फार्म्स का SPR हूँ, अभी कर्नाटक में रहता हूँ, तो दादा आशीर्वाद करिए कि मैं वहाँ रह पाऊँ। उन्होंने बोला जब तक मन करे तब तक रहिए। फिर मन क्या करा कि मैं संजीव मंडल दा के साथ ऊपर माँ को प्रणाम करने गए, तो इतने में पूजने बोल रहे माँ, अब हमारे सिपाही मतलब माँ उनके घर में गए, वहां समझी देखा बहुत लंबा लाइन है, तो फिर वही कह रहा हूँ जो 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 ठाकुर को पूजा करता है, ठाकुर को दिल से मानता है, स्वस्थनी पालन करता है, उसका दिमाग हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा अटैक करेगा। मैं देखा बहुत लंबा लाइन है, बहुत समय लग जाएगा। संजीव मंडल दा विशेष आप सब जानते हैं, संजीव मंडल दा प्रतिनिधित्व है, संजीव मंडल दा सिंगल घुसे, मैं भी उस संजीव मंडल दा के पीछे VIP की तरह घुसा। मैंने पता है संजीव मंडल दा VIP है, उनके पीछे लगेंगे तो कोई लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। जाके पूजा सिपाही दा के पैर के ऊपर जाके निवेदन किए कि दादा शक्ति फार्म का रहने वाला हूँ उत्तराखंड का, लेकिन आजकल कर्नाटक रहता हूँ, मंदिर का काम कर रहा हूँ। बोले मुझे सब पता है, मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ। सिपाही दा बोले मैं साउथ इंडिया का इंचार्ज हूँ, मुझे सब पता है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। धीति दा के साथ मिलके बेंगलोर के ऋतिक दा, धीति सुंदर आचार्य, अच्छे से करिए। मैंने कहा दादा वहाँ पे काम, और फिर बताया कि जब तक मन करे तब तक रहिए। आप सबको पता है कि जब तक आचार्य देव को निवेदन नहीं होता मन छटपट करता है। मैंने कहा नहीं, एक बार आचार्य देव को निवेदन करता हूँ। घर जिस दिन आना था 28 तारीख को, उस दिन आचार्य देव
से प्रणाम किया। आचार्य देव अपने सीढ़ी से उतर रहे थे, बहुत लोगों की भीड़ थी, मैं भीड़ काट के दादा के पैर पे ऊपर जाके गिरा और जाके बोला, दादा शक्ति फार्म कर SPR हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला था, आजकल कर्नाटक रह रहा हूँ। उन्होंने भी सिर्फ एक ही बात कही, जब तक मन करे तब तक रहिए। देखिए तीनों दादा का एक ही शब्द था कि जब तक मन करे तब तक रहिए। और जैसे बेल्लेरी में ये खबर आई कि शक्ति फार्म केंद्र मंदिर जनवरी 20 तारीख के आसपास उद्बोधन होना है, मैं जनवरी यानी कि बृहस्पतिवार को पहुंचता हूँ घर को, शुक्र शनि रवि सोम मंगलवार को मैं निकल पड़ता हूँ। 5 दिन के अंदर बधा हुआ घर द्वार सब कुछ था, सब कुछ छोड़ के टीवी फ्रिज कूलर जो भी था, मतलब यानी कि कूलर भी था ले लिए थे, वहां पे सामान वान जो कुछ था। लोग बोल रहे कि दादा यहाँ के रहने वाले लोग 40 साल में जितना सुखी से घर नहीं बनाए, आप 4 महीने में उससे अच्छा घर में रह रहे हैं। सब कुछ ऐसे ही छोड़ के, जैसे सुनने में आया कि हम शक्ति फार्म का केंद्र मंदिर का उद्बोधन है, मैं वहां से तुरंत निकला। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नरेंद्र कर क्या रहे हैं, अभी तो आए थे, अभी तो पंसी ने घोषणा बनाई थी, इसी घोषणा को छोड़ के वो फिर निकलेंगे। लेकिन मैं दादा सच बताऊं कि जब तक वो आश्रय शून्य नहीं करते तो पूर्ण प्राप्ति नहीं होती। हम लोग बहुत सारी चीजों में आसक्त रहते हैं, जब परम पिता के सिवा आपके जगत में और कुछ चाहने पाने का सब बंधन से सब जगह से आपका मन हट जाएगा, तभी आप परम पिता तक पहुंच पाएंगे। परम पिता ने इस कम उम्र में मेरे से न जाने क्या क्या नहीं कराए, कितने दुख कष्ट दिए, कितना कुछ जलाए तपाए उन्होंने, कहने के लिए तो आंसू टपक पड़ेगा, छाती फट जाएगा कि न जाने कितना दुख कष्ट सहन करके परम पिता का काम कर पा रहा हूँ। लेकिन ये अनुभूति मेरे अंदर इतना हुआ हो पाया कि परम पिता धीरे धीरे आपका इस जागतिक चीज से सब चीज छीन लेगा, जब सिवाय उसके अलावा आपको कुछ नहीं रहेगा। परम पिता शायद मुझसे ही चाहते थे कि वो सब कुछ छीनने के बाद आज मैं घर लौट पाया, और जनवरी में तो नहीं हो पाया, 20 फरवरी को होने का तो नहीं हो पाया, लेकिन 20 मार्च का दिन, परसों 20 मार्च, मैं रात 19 मार्च पूरा रात जगा हुआ हूँ, पूरा कहाँ से LED स्क्रीन, कहाँ से कैमरा, कहाँ से फुल वाला, आप सबको पता है उद्बोधन का कितना बड़ा काम रहता है, पूज्य अविंद वर्चुअल के माध्यम से उद्बोधन करना है। ये जो हेडफोन पे मैं बात कर रहा हूँ, पूज्य अविंद इस हेडफोन पे मेरे से बात किए, और इस अधम के हाथ से उन्होंने पूरा चारों विग्रह का अनावरण, चादर उतरने का काम इस नरेंद्रनाथ चटर्जी के माध्यम से उन्होंने कराया। वहां से वो फोन मुझे सुन पर दादा पड़ा, मैं डिस्टर्ब दादा सुन पा रहे हैं? डिस्टर्ब हुआ था लेकिन अगर जी हाँ आवाज आ रही है दादा, सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है जी दादा। तो जी दादा, मैं पूज्य अविंदा मेरे को आदेश दिए कि आप, मैं कि आप ठाकुर का चादर उतारिए नरेंद्र, चादर उतारा, प्रणामी रखा, बड़े माँ के पास जाइए, इस तरह से चारों विग्रह का अनावरण हुआ। मैं वहां पे पूज्य अविंदा जब मुझसे फोन पे बात कर रहे थे, मैं अपने पितृ पुरुष का, अपने पितरों का इतना ज्यादा शुक्रगुजार महसूस कर रहा था कि हे परमपिता, आज मेरे पितृ पुरुष, आज इस वर्चुअल माध्यम से पूज्य अविंदा, मैं अविंदा को बोले कि दादा मैं तो शरीर रूप से हूँ, आप मुझ में प्रवेश करिए। मैं पर्सनल फील किया, गुरु भाई लोगों ने मेरे को देखा कि मेरा शरीर का हाव भाव, मेरा चेहरे का भाव भाव, बिल्कुल मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल हिल रहा था कि हे परम पिता, जहां पे ठाकुर परिवार ये चादर उतरने का काम करते हैं, ठाकुर परिवार को हम लोग आह्वान करते आते हैं स्वयं, आज पूज्य अविंदा ने इस अधम के माध्यम से, पूज्य अविंदा मेरे शरीर रूप में आए, उन्होंने अपना उद्बोधन किए, और मैं अपने खड़े होकर अपने पितृपुरुष का
अपने पितृकुल का, अपने मातृकुल का, यही कह रहा था कि शायद आप लोगों का तपस्या जन्म जन्मांतर का आज सार्थक हुआ इस नरेंद्रनाथ चटर्जी के माध्यम से। हे पितरों, तुम मुझ में, तुम लोग आशीर्वाद करो, मैं परम पिता का ये जो विजय पताका है, पुरुषोत्तम का ये जो वार्ता है, मैं घर घर तक पहुंचा पाऊं। इसीलिए दादा मैं बार बार इस वाणी को बोलता हूँ, निष्ठा विद्याना का 14वां नंबर वाणी, कि बंगला में है, मैं हिंदी में बताऊंगा बाद में, पहले बंगला में ठाकुर बोलते हैं निष्ठा विद्याना में, कि जीवों ने यदि तुम्हार सब किछु हारिए जाए ताते किछु आसे जाए ना, जीवन रोई कांतिक वेद मूल के तुम्हें यदि हारिए ना फेलो, एकदिन तुम्हें फुल्ल स्फुट मंडित हो उठबे उठबे आमी निश्चय बोलछि। यानी कि ठाकुर बोलने की कोशिश कर, ठाकुर बोलते हैं इसमें निष्ठा विद्याना पढ़ लीजिएगा, घर में है, बड़दस्ती से बड़दे इस वाणी को बार बार नॉक करते थे कि जीवन में अगर आपका सब कुछ खो जाए, जीवन में आपका कुछ भी ना रहे, ना स्त्री ना पुत्र ना कन्या, कुछ भी ना रहे, सब खो जाएगा एक दिन, लेकिन उस दिन भी परम पिता अगर आपके जीवन में रहे, परम पिता को पकड़ के आप निष्ठा के साथ अगर आप पकड़े रहे, तो एक दिन आप सब कुछ उस राजा हरिश्चंद्र के जैसा, सब कुछ खोते हुए भी आप सब कुछ पा सकते हैं। लोग सोचेगा कि नरेंद्र गया, नरेंद्र खड्डे में चला गया, नरेंद्र उत्तराखंड छोड़ के चले गए, नरेंद्र कर्नाटक चले गए, लेकिन नरेंद्र वापिस भी लाए ठाकुर परिवार। नरेंद्र को कैसे लाना है ठाकुर परिवार को पता था कि मंदिर का उद्बोधन अगर वो सुनेगा तो पगला हमारा लौट के जरूर आएगा। मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर के माध्यम से दादा मेरे को निर्देश करेंगे चादर उतरने का काम, इतना बड़ा पवित्र काम, इतना बड़ा इतिहास गवाह हो गया कि पूज्यवत अविंदा का माध्यम से उत्तराखंड का पहला वर्चुअल उद्घाटन, और इससे पहले पूज्यवत अविंदा का वर्चुअल पहला उद्घाटन न्यूरिया केंद्र मंदिर सत्संग पीलीभीत का हुआ, वो मेरे ऋतिक देवता का, मतलब मेरे ऋतिक देवता वहां के इंचार्ज हैं, श्रद्धेय प्राण कुमार चक्रवर्ती, मोहनदा आप जानते हैं आप उनको, कमलदा जानते हैं आप उनको, कि श्रद्धेय प्राण कुमार चक्रवर्ती मेरे SPR हैं, उनका पूज्यवत अविंदा का पहला केंद्र मंदिर वर्चुअल ओपनिंग वहां पे हुए, श्रद्धेय श्यामल कुमार गांगुलीदा जो अजिंदा के बड़े बेटे हैं उनके हाथ से अविंदा उनके माध्यम से कराए, और शक्ति फार्म का केंद्र मंदिर मैं जहाँ का SPR हूँ, इंचार्ज हूँ सत्संग केंद्र मंदिर उत्तराखंड का, शक्ति फार्म का, यहाँ पे पूज्यवत अविंदा मेरे द्वारा ये काम किए। मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए अपने जो पंचर वही है, सप्तर्षि है, इसको खूब पढ़ना चाहिए, पूर्व पूर्व गुरु, मतलब पूर्व पूर्व पूर्णम शरणम है ना, नपस्तका ब्रह्म एक द्वितीयकम, पूर्व पूर्व वार्तावाही अभेदा, जो हम लोग पढ़ते हैं पूर्व पूर्व पितृ शरणम, अपने पितृपुरुष के प्रति बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा श्रद्धा संपन्न होना चाहिए। कैसे सीखे मैं अपना पितृपुरुष को श्रद्धा करना, मेरे पिताजी श्रद्धा मतलब स्वर्गीय जयंत नारायण चटर्जी, मेरे पिताजी बोलते थे नरेन मैं बचपन से मेरे घर में स्वस्थनी परिवार से हूं, मेरा ये ठाकुर जी के इतने ज्यादा भक्त थे, जहां भी जजमानी में जाते थे जजमानी कर्जमा के माध्यम के, जैसे लटने वाला झोला बैग ठाकुर आलोचना प्रसन्न आलोचना के पथ का, जहां जैसा जजमान मिल मन के साथ अपना देखा कमल कि मैं पिता पर जो निष्ठ मेरे पिता को है कि कोई कहा जा रहा है लेके पढ़ाई तो बोलता था 40 रुपए दिन का निकलना, इस बिप घर में 3 टाइम तक खाना मिला का, और सारी आप यहाँ रख की बातें सुनो आप तैयार हो, तैयार हैं पिलाते पिलाते, और दिन ऐसा राजन दावा मतलब बिछा के पिताजी देख पिताजी को मैं देखते थे हर मेरे दादाजी की मैंने नहीं करता वो जो चीज खाने के लिए पसंद करते थे उस तरसी के खाना बन के जी बिल दिन भर भूखा रह के और समय से उनको उसको लेते थे, ये पुरुष की सामने रहने वाली जो बात है। मैं जो 20 फरवरी जो मार्च का दिन था
इस मास को सुबह भोर जपी से आप मंदिर में मैं देखता हूँ तुरंत छत में पांचम रहता है, तीन ना होता है, तुरंत मैं देखता हूँ कोई मुस्कता है कि पूर्ण तिथि का पांचम खोलता हूँ कृष्ण का दिन, लेकिन दिन बीस था कोई था जी का दिन था का गुजर, लेकिन वही मेरे पिता पूर्ण तिथि का दिन मैं पंचम पत्नी को बोल मैंने भाई उठो देखो आज मेरे पिताजी के पुण्य तिथि में जिस मंदिर का उद्बोधन हो रहा है, मैं अपने पितृपुरुष मेरा जो माध्यम से सुन रहे हैं आप प्रभु के प्रति आप पितरों के प्रति हमेशा धन्यवाद ज्ञापन हे पितरों तुम लोगों का जन्म जन्म संचित हुआ उस विधान स्वस्थ का पालन कर पाए पितरों तुम लोग मुझे जीवंत हो में जीवंत हो तुम लोग मुझे जीवंत हो शुद्ध लोग सेवक और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ आप बहुत ध्यान डॉक्टर लिंक में डिस्टर्बेंस है आवाज तो क्लैरिटी नहीं आ रहा कोई जगह है जहां पे मैं सुर लगा थक मुठा को जहां मैं सुर तो गुस्सा को इतना अगर गंभीर से बोलते हैं सब बहुत चोई महाभारत रिंधन सब उस महाभारत का ईंधन मतलब मैंने जो महाभारत में इसको मारो उसको मारो जो ये किया था इसका भी एक कर्म फल मुझे भी सहन करना पड़ता है उस जितना जितना लोगों को तीर बाण घुसा उस सब मेरे को लगा और वो ही बाण रूपी आज मेरे को श्रेंस के रूप में आप जो खून निकालते हैं आप वो कांटे का चुभन वो मेरा कर्म फल है प्यारीदा जो महाभारत में मैंने जो निर्देश दिया था अर्जुन इसको मारो उनको मारो ये जो मेरा डायरेक्शन था वो डायरेक्शन धर्म की स्थापना करने के लिए था लेकिन प्यारीदा उसमें भी एक कर्म फल उत्पन्न हुआ जिसके वजह से मेरे को आज आप इतना सुई का चुभन देते हैं वो कर्म का भोग है प्यारीदा जो मैं भोग कर रहा हूँ इस सिरिंज के माध्यम से। एक दिन प्यारीदा सिरिंज से खून निकलने वाले थे निकलते समय ठाकुर एकदम बचपन बचपना जैसा कर रहे हैं एकदम घबराहट सा हो रहा है ठाकुर जी को खूब ठाकुर बोले प्यारीदा खूब सावधान खूब सावधान। बोला ठाकुर आप इतना भी तो क्यों हो रहे हैं आप इतना क्यों डर रहे हैं। बोला नहीं प्यारीदा खूब सावधान मैं डर नहीं रहा हूं मैं डर इसी वजह से रह रहा हूं कि इस सिरिंज जब आप खून निकालेंगे इस खून का एक बूंद माटी में नहीं गिरना चाहिए। बोला ठाकुर क्यों। बोला प्यारीदा मेरे पितृपुरुष का ब्लड है मेरे अंदर मेरा कुल का मेरा जो प्रवाहित हो रहा है रेत धारा शरीर में जिस कुल में मैं पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती माता मनमोहिनी देवी और पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती का पिताजी ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती पिताजी ठाकुर ऐसे बोलते बोलते कई पीढ़ी तक बोल गए कि मैं धन्य हूँ कि ऐसे परिवार ऐसे कुल में मैंने जन्म लिया मैं परम पिता का धम संतान हूँ। प्यारीदा एकदम अवाक हुए कि अपने पितृपुरुष के प्रति ठाकुर का इतना लगाव इतना इतना मतलब कहते हैं मतलब श्रद्धा संपन्न हमें होना चाहिए अपने पितृपुरुष के प्रति अपने मातृकुल के प्रति अपने पितृकुल के प्रति हमेशा उनको कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए कि मैं आप लोगों के इस खानदान में आके मेरा जन्म सफल हुआ। अगर मैं कहीं अन्यथा जन्म ग्रहण करता हो सकता है मैं वहां पे परमपिता को नहीं पाता लेकिन जिस कुल में मैं जन्म लिया हूँ इस कुल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस कुल से जो ठाकुर जी मिले जिस पंत आज अपने हाथ से मैं इस ताप का भोग रहा हूँ का भी भोग पा रहा हूँ कभी मैं फल शायद नरेंद्रनाथ कभी पिता का भोग नहीं लगा पाएगा बहुत कर्म का कुछ कर्म माध्यम से नरेंद्र चटर्जी का ये फूल कभी ठाकुर नहीं लगा पाएगा मन में बोलता था मतलब हे परम पिता शायद तुम हर काम करना पाओगे मैं बाहर इंडिया हर स्टेट कोने कोने तुम्हारा काम कर पाऊं
मैं अभी वो मंदिर से आया नरेंद्र गुवाहाटी मंदिर आ जाओ, जुर्म में आ जाओ, मध्य प्रदेश का इतना तनख्वाह आप रहे हो, बंदा हुआ कभी सर्विस भी नहीं जॉब करता था, मुझे कभी पसंद ही नहीं बंदा हुआ, लेकिन परम पिता शक्ति फार्म मंदिर मेरे में पेड़ी डाल सुबह भोग लाना हो आशीर्वाद कल हम लोग गए थे पर तो श्रद्धे भट्टाचार्य जो भोग लग मेरे आनंद को ऑफ कर लें। आप लगा सकते हैं मेरे प्राकृतवर्ती वो बोले लगता है तीन बार अब आप नहीं सब नहीं करूं फर्क नहीं ठीक है गौतम लेकिन भूल सकते हैं का भूख लगा लिए आसान भजन गया पर भूख लग वो इतनी खुशी हुई मां ये मेरे मन का आज है एक उम्र बने छोटा भाई दादा अपना वीडियो नोट कर लें। आज कौन पता कैसी माँ अभी पहले के शब्द नहीं। हाँ दादा बोलिए। दादा आवाज साफ नहीं आ पा रहा है। अपने तक चल रहा है। लिंक में जो टर्मिनल्स है यदि कोई अल्टरनेटिव मोबाइल है उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। दादा मेरे पास अल्टरनेटिव मेरे पास दूसरा ट्राई करें तो हो सकता है ठीक हो जाए या वीडियो म्यूट कर लें। अनम्यूट अनम्यूट क्यों कहा जा रहा है भाई समझ में नहीं आ रहा। अनम्यूट कर लें हो सकता है अल्टरनेटिव मोबाइल से ज्यादा जुड़े वीडियो बंद कर जय गुरु दादा। दादा सुन पा रहे हैं कंटिन्यू करें दादा। दादा ठाकुर जी से मैंने हम लोगों ने यही सीखा अपने परिवार कि किस तरह से अपने पितृ पुरुष के प्रति हमें उनका कितना कि हम उस कुल में उस वंश में हमने जन्म लिया कि जिस वंश में मैं तो बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ दादा समझता हूँ कि जिस वंश में मेरे दादाजी के पिताजी कल्पना चटर्जी स्वयं ठाकुर को दर्शन करके अपना गुरुगिरी छप छोड़ दिया। हम लोग वैष्णव परिवार से आते थे हरे कृष्ण तिलक माला करते थे। जी दादा कमल बोलिए आवाज ठीक है। आवाज ठीक है दादा। आवाज ठीक आ रही है बोले दादा। बोलिए आवाज आ रही है। हेलो दादा आवाज आ रही है। हाँ ठीक है अभी आवाज ठीक है। अब ठीक है। हेलो दादा एक बार ठीक है श्री ठाकुर केष्टुदा को बोले केष्टुदा को एक बार श्री ठाकुर बोले कि केष्टुदा बुक दे पहाड़ ठेलते हो तो केष्टुदा एकदम तुरंत बोले कि ठाकुर ये छाती से पहाड़ हिलाने की आप बात कर रहे हैं ये छाती से पहाड़ कैसे हिलेगा ये 1 इंच नहीं हिलेगा। बोलते हैं केष्टुदा छाती से अगर पहाड़ को हिलाएंगे पहाड़ 1 इंच नहीं हिलेगा लेकिन अपना छाती मजबूत होगा। आज करते करते दादा छाती इतना सख्त हो गया इतना दुख कष्ट सहन करते करते इतनी मुसीबत
इतनी मुसीबत को पार करते करते कि एक कमलदा देखिए आवाज आ रही क्या? कमलदा आवाज आ रही है? आवाज समझ आ रहा है और ठीक है, आवाज आ रही है। नेटवर्क का डिस्टरबेंस है क्या दादा? आवाज आ रही है दादा? दादा आवाज आ रही है जी दादा। तो एक बार की बात है कि देखिए एक बार ठाकुरबाड़ी में कुछ आसपास जो कुत्ते जब मतलब आपस में झगड़ रहे थे तो ठाकुर जी वहां से गुजर रहे थे, तो ठाकुर जी के पीछे बहुत सारे लोग आसपास खड़े थे, तो सब देख रहे थे कि कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, काट रहे हैं। तो कोई व्यक्ति के हाथ से छड़ी खींच के ठाकुर जी ने एकदम खटखट से भगाया, दोनों को मतलब छुड़वाए, कुत्ते को मारपीट जो कर रहे थे। तो ठाकुर अचानक बोले, जो लोग ये कुत्ते लोग आपस में लड़ रहे हैं इसको नहीं छुड़ा सकता। और बोलते हैं लोग जब आपस में झगड़ेंगे, लोग जब करेंगे तो उनको कैसे ठंडा करेंगे? जो लोग कुत्ते जो लड़ रहे हैं उसको नहीं भगा सकते, इतनी हिम्मत ही परमपिता का काम आप लोग कैसे करेंगे? एक बार आश्रम के कुत्ता था जैकी, आप सबको पता है, वो जैकी को एकदम चारों तरफ से घेर दिए, और जैकी बहुत चलाक था, ठाकुरबाड़ी का कुत्ता था, वो एकदम मतलब भाग के एकदम उन लोगों को चकमा देके सीधा ठाकुर जी के चौकी के नीचे आके बैठ गया। तो कहने का तात्पर्य है, ठाकुर बोलते हैं कि एक कुत्ता को यहां पड़ता है तो उसका सबसे सुरक्षित जगह कौन सा है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में जितने भी तकलीफ क्यों ना आए, परम पिता ही हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो। और आचार्य देव भव, क्योंकि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रत्येक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सुप्त वहा जयंत वो। जब ठाकुर जी गुजर गए, ठाकुर जी देव अवसन हुआ, तो केष्टुदा, चुनीलाल राय चौधरी दा, बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्वान, प्रफुल्लदा, शिशि, मैं अन्यथा इसको मत लीजिएगा, लेकिन आचार्य के रूप में जो जितना परमपिता के पास इतना परमपिता तकलीफ आती है उसको उतना ही ज्यादा दुख मिलता है, लेकिन सबके बीच में ठाकुर को लेके जब हम चल सारे दुख तकलीफ को भी हम लोग ओवर पिता की खुशी के लिए सिर्फ परमपिता को ही खुश रखने की कोई बातों का परवाह नहीं करते, कोई परवाह नहीं करते। हमें पता है हमसे एक के बाद एक कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे राजेंद्र दा ऑनलाइन में है, कि परमपिता ये वो दायित्व खत्म होता है, दूसरा दायित्व और चपाते हैं सर पे, वो हो जाता है, तीसरा और दबाते हैं परमपिता का बोझ। परमपिता एक दिन ठाकुर बोलते हैं बड़े आक्षेप के साथ कि लोग अपना पत्नी बेटे बहू पुत्र का बोझा ढोता है, थोड़ा सा मैं अपना बोझा जब उसके कंधे में डालता हूँ तो लोग ऐसा मुंह घुमाता है, इतना अपारगता दिखाता है, इतना कष्ट दिखाता है कि परमपिता मेरा परमपिता का बोझा ढोने के लिए कोई राजी ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि तमेव माता चो पिता, तो शास्त्र कभी इसको गौर नहीं किया, मेरा ठाकुर ही मेरा माँ है, मेरा ठाकुर ही मेरा पिता है, मेरे ठाकुर ही मेरी पत्नी है, मेरा ठाकुर ही मेरा बच्चा है। इसीलिए अपना परिवार अगर पल जा रहा है खूब सुख शांति से घी दूध मक्खन के साथ, लेकिन मंदिर का जो मंदिर का इंचार्ज हमारे जैसे राजेंद्र दा है छपरा में, तो मंदिर का भी उसी तरह से फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा मंदिर। मैं समझता हूँ, मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि नरेन अगर माता पिता से प्रेम करते हो हमसे तो हमारा प्रेम है 99% तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन ठाकुर के प्रति तुम्हारा प्रेम जो है वो 100% होना चाहिए। माता पिता के प्रति हमारा श्रद्धा संपन्न होगा कितना परसेंट, 99%, लेकिन
परमपिता से हमारा जो लगाव होगा वो 100% होगा। परमपिता ही हमारा, आचार्य देव बार बार बोलते हैं घर में जितने सदस्य हैं, परमपिता जैसे पिता ठाकुर, ठाकुर के बाद हम लोग अपना गिनना शुरू करेंगे। मेरा घर का ही मालिक तो ठाकुर है, मेरा घर का मालिक मैं नहीं हूं, मेरा मालिक मेरा ठाकुर है, घर का मालिक ठाकुर, उसके बाद मेरे माता, फिर मेरे पिता, मेरी मैं, फिर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। ऐसे जिस दिन हम लोग सुनने लगेंगे, जब लोगों को बोलता हूँ कि दादा आपका दो बेटा है, मान लीजिए एक बेटा एक बेटी और हो जाता है, क्या उसके पीछे जीवन भर आपका कम खर्चा है? जब परमपिता के खर्चे की बात आती है, मंदिर की मेंटेनेंस की बात आती है, तो आप लोग मुंह क्यों घुमाते हैं, मुंह क्यों फेरते हैं? मत फिराइए, क्योंकि वो जो बच्चा आप पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, हो सकता है वो आपको दगा दे जाए एक दिन, वो आपको फांकी दे दे, परमपिता का मनुष्य अगर नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आप परमपिता को, इस पिता को पाल लिए ना अपने बेटे के जैसे, अपने बिटिया को जैसे, जितना आप सोचते आप सोचना शुरू कर देंगे, आपका ये बाल बच्चा भी आपका सुनने लगेगा, करने लगेगा। क्योंकि आज मैं ठाकुर को प्रणाम कर रहा था, मैं कहना नहीं चाहिए अपने परिवार की बात इतना, लेकिन मैं जब से मेरा ये मंदिर का उद्बोधन शुरू की बात हुई, मेरा छोटा सा बच्चा, आप लोग जानते हैं 3 साल का जयदीप है, 7 साल की बिटिया है, इन लोगों ने समान रूप से मेरे साथ काम किया। वो बच्चे जरूर है, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे पितृपुरुष शायद उनके अंदर आके मेरे हाथों को मजबूत कर रहे थे। मेरा बेटा जयदीप परमपिता का दया से, मैं देखता हूँ वो बाई पर चला रहा है, वो झाड़ू देता है, जब भी जाता है सबसे पहले दोनों भाई बहन झाड़ू पकड़ता है, पूरा मंदिर को साफ करता है एकदम, ठाकुर आसन से लेके पूरा एकदम एंड तक झाड़ू देते, इतना बड़ा मंदिर में पूरा झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि तुम लोग करो, ये लोग स्वयं अपना अपना जिम्मेवारी लेते हैं। परसों तो मैं देख के और हैरान हो गया, रात को जो लोग गुरु भाई आके मंदिर में रह रहे थे, उनके रजाई गद्दा मैं अपने सर पे ढो रहा हूं, मेरा बेटा कह रहा है मेरे सर पे भी एक डाल दो। मैं देख के हैरान हो गया, एक गुरु भाई छोटा सा चादर डाल रहा है, बोला इतना छोटा हल्का वाला नहीं होगा, पिताजी जितना बड़ा बोझा ढो रहा है, मेरे को उतना बड़ा बोझा मेरे सर पे डालो। मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ, छोटे से बच्चे के अंदर देख के मैं सोच रहा हूँ कि ये छोटा बच्चा नहीं है, परमपिता ने इसको भेजा है मेरे खानदान का काम, ठाकुर का काम करने के लिए। इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि परमपिता ने शायद हम लोगों के लिए ऐसे ऐसे अपने बागान से फूल को चुन चुन के हम हमारे पास भेजा कि ये लोग परमपिता का काम करेंगे। परसों मैं वर्तमान आचार्य देव का, इससे पहले से आचार्य देव का एक फ्रेमिंग था कि तब प्लानिंग ऐसे हुआ कि आचार्य देव से दादा बैठेंगे, उसके बाद आचार्य चेंज हुए, तो उस विग्रह को निकाल के जैसे बिंकिता बोले कि दीवार में कहीं लगाना है, तो मैं उसको मैं गुरु भाई के साथ फ्रेमिंग करने दे, मैंने कहा आचार्य देव का फोटो फ्रेमिंग, चलो मैं बोला नहीं आप जहां गए थे वहां ले चलो। फिर मैं उस दुकान में जहां फिल्मिंग करने ले गया, बोला मैं वो आचार्य देव का फोटो लगा, सीसी दादा का फोटो है वहां पे, बोला नहीं हाथ से छुआ, वो उस फोटो को छू के आया क्या? बोला पिताजी जिस दिन आप उस फोटो को लेने के लिए फ्रेम मुझे ले चलना, मैं अपने सर पे ले आऊंगा। मैं लेके हैरान, मैं दादा सोच के हैरान हो रहा हूं, समय हो रहा है मेरा थोड़ा व्यक्तिगत बात इसीलिए बताया क्योंकि माता पिता अगर करता, मैं आज शाम को माता टेक रहा था, बेटा मेरे बड़मा को प्रणाम कर, बड़ता को प्रणाम कर रहा है, आचार्य देव को प्रणाम कर रहा है, फिर हम लोगों को आके प्रणाम किया गर्व से छात्र कि कुछ सिखाए नहीं हम लोगों ने इनको, हम लोग करते हैं तो लोग सीखते हैं, क्या कहे ना कहे, कहने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। वो माँ जैसे कह रही थी कि शब्द नहीं है गांव में, कैसे तुमसे मेरी रागिनी हो गए मैं बैरागिनी। सच बताऊं आज परमपिता को लेके अपने जीवन में हम प्रति प्रत्येक एक निर्भावना के साथ, एक निश्चिता के साथ, कैसा नाम अपार जो जाने सो पार, बहुरे ना जगमे ना जन्मई, जो साधु संत करोड़ों साल तपस्या करके ये बार बार आना जाना मृत्यु भय से पार पाने के लिए जो नाम ध्यान करते हैं, हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि परमपिता के माध्यम से हम लोग ऐसा नाम जप रहे हैं, ऐसा नाम को जपन कर रहे हैं कि ऐसा नाम अपार जो जाने सो पार, बहुरे ना जगमे ना जन्मई, ये बार बार जो आने, गीता में पूरा सार में यही कहा गया है कि ये बार बार जन्म लेना और मृत्यु भय से भयभीत होना, फिर आना, फिर मरना, इस चीज से दादा कमलदा हम लोग तो छुटकारा पा ही गए। हम अपनी मर्जी से परमपिता हमको ले भी जाएंगे, उनकी मर्जी से फिर हम परमपिता का काम करने फिर आएंगे। हमारी मृत्यु अब हमारे बस में नहीं है, अब परमपिता के हाथ में है, क्योंकि हम लोग उस मृत्यु भय को भी जय कर चुके हैं। मृत्यु उस जो लोग डरते हैं, हम तो डरते ही नहीं है कि हम परमपिता की दया से दुनिया से जाएंगे, परमपिता की इच्छा होगी परमपिता हमको फिर भेजेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन परमपिता
शायद दादा से मेरी ऐसे बात हो रही थी, एक मिनट का और समय। राजेंद्र दा बोल रहे थे कि ठाकुर से एक दिन पूछे कि ठाकुर जो लोग दीक्षा लेके छोड़ देते हैं वो लोग क्या करते हैं। ठाकुर बोलते हैं जो लोग दीक्षा लेके छोड़ देते हैं वो कभी फिर कुछ नहीं करते, वो लोग भी कभी पशु कुल में और नहीं आते हैं, जानवर के रूप में जन्म नहीं लेगा। बोलता फिर ठाकुर जो लोग स्वस्तनी लेके छोड़ देते हैं, स्वस्तनी पालन नहीं करते, उपनयन लेके छोड़ देते हैं, ठाकुर बोलते हैं वो उच्च कुल के अगले जन्म में उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। और फिर बोले कि जो लोग ठाकुर को लेकर, ठाकुर आपको लेकर निरंतर चल रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे। फिर बोला ठाकुर बोला उन लोग को आना नहीं पड़ता, परमपिता जब चाहते हैं फिर उनको भेजते हैं। यानी कि हम लोग जो निष्ठा के साथ परमपिता का जो काम कर रहे हैं, हम लोगों का जाना भी क्लियर है, आना भी क्लियर है। हम लोग अब बहुरी ना जगमे ना जन्मई, हम लोग का ना जन्म है अब ना मृत्यु है। हम लोग संभव कहना क्या है कि मरो नहीं मारो नहीं, संभव हो तो मृत्यु को ही अवलुप्त कर दो। हम लोगों ने तो मृत्यु को इतने करीब से देखा और मृत्यु हमसे हजारों बार आके टकरा के मृत्यु वो यम लौट के चला गया। देखा कि नहीं ये तो परम पिता का संतान है, उस यम का जो भी मालिक है, उस यम का भी जो मालिक है, वो लोग लिखते हैं बुलेट में महाकाल, टी शर्ट में महाकाल, उस महाकाल पुण्यपुत्र में बोलते हैं ठाकुर महाकाल का महाकाल को लय करने के लिए मैं आया हूँ, वो महाकाल का महाकाल मैं घुचा सकता हूँ, यानी कि महाकाल को मैं भगा सकता हूँ। तो आइए हम सब लोग इस कोरोना काल में जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो एक देश से दूसरे देश में हम लोग जुड़ पा रहे हैं परमपिता निरंतर, ये तो मेरी माता जी हमेशा बोलती हैं वर्चुअल कि ये कोरोना काल नहीं है, कोरोना हुआ परमपिता का, इससे दूसरे देश हम लोग इस वर्चुअल बोल पा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत परमपिता से ही प्रार्थना है कि जजन याजन इष्टवेदि स्वस्थनि सदाचार अपने पास प्रतिवेशी सबको लेके हम लोग चल पाए के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्व मां कसिच दुख भाग भवेत। जय गुरु आप सभी को, जय गुरु। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दादा। कमल दा जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु दादा का अद्भुत पूरा वर्णन था अपने अनुभूतियों का दादा, कैसे नाटक में भेजे गए, टिकट ना टिकट के गए आवागमन किए, टिकट के सूत्र बताया गया इस तरह से आपके बैग में गरीबा रंग का वस्त्र है उसको धारण कीजिए, टिटी आया देखा चला गया, कैसे प्रभु अपने भक्तों का रक्षा करते हैं, फिर उन्होंने वहां काम किया, ऋषि वरदा ऋषि दादा का कर्मकांड में दादा आए निवेदन के पिंकी दास से तक रहना है जब तक आपका मन करे, फिर निवेदन के पिंकी दास से वही जवाब, आचार्य देव से वही जवाब, यही है पुरुषोत्तम का वंश परंपरा, जो बोलेंगे एक ही बोलेंगे अंतर्जामी। अद्भुत दादा का एक स्टेप पसंद आया, उन्होंने बताया उत्तराखंड के मंदिर का उद्बोधन का ना सजीव वर्णन उन्होंने किया, वर्चुअल वर्चुअल के माध्यम से उन्हें विंकिदा उद्बोधन कर रहे थे, उनको अनावरण करना था जब मन में आया और वो अद्भुत दादा एक सेट प्रसंग सुनाए, फिर उन्होंने कहा मेरे वंश परंपरा 3 साल का बालक, 7 साल की पुत्री व मंत्र रेफरेंस लेते हुए कैसे उनका ब्लड लिया जा रहा था, कुबरे का एक कतरा इसका नीचे नहीं करना चाहिए, मेरा वंश परंपरा का है। उसी तरह ही बोलते हैं दादा, मैं सौभाग्यशाली हूँ ऐसे वंश में जन्म लिया जिसके कारण ठाकुर को मैं पकड़ पाया, बच्चा में भी आया इतना छोटा बालक हर काम को दायित्व लेने को तैयार, यह सफल भक्त का लक्षण है। दादा बार बार अधम कर रहे थे, तुझे हृदय को कचोट रहा था, दादा अधम वह है जो न ठाकुर की बात सुनता है न ठाकुर के बात को करता है, आप तो प्रभु के काम में नियंत्रण लगे रखते हैं, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगा, तरह का सब बहुत भी एक शब्द पसंद नहीं करते, दादा आप महान भक्त में से है, एक से एक अनुभूतियां आपकी हुई है और उसका वर्णन इतने सजीव ढंग से हम लोग को बीच रखकर हम लोग को उद्भुत कर दिए, वेद किए, प्रभु का काम ही सर्वोपरि है,
प्रभु मेरे घर में है, प्रभु सबसे बड़े सदस्य है, इसको हमको न भूलना चाहिए। हम गिनती में अपना परिवार का नंबर भूल देते हैं, लेकिन ठाकुर का नाम नहीं बोलते हैं। यही चीज आपने सिख दिया लोगों को, प्रभु हमारे घर के अंदर है, हमारे सबसे बड़े सदस्य है, उनको उसी तरह से सदस्य के रूप में गिन कर ही उनको ट्रीट करे, उनका सेवा लगे, सबसे बड़े सदस्य है। ये जीवंत रूप से जिस दिन हमारे चरित्र में उतरेगा, हमारे वंश परंपरा में इम्पैक्ट करेगा, बच्चों में आएगा, बच्चे भी वंश परंपरा में आगे बढ़ते जाएगा। दादा का कुछ लिंक डिस्टर्बेंस था, फिर भी हम लोगों ने बहुत सारे बातों को सुना, आनंद से भर उठे। इतना प्रभु के अनन्य भक्त हम लोग के बीच आए हैं, उनको कई बार मैंने हमने सुना है, 1.5 साल से ज्यादा दादा हम लोग के बीच में है। आज का उनका व्यक्तित्व, उनका वाणी अद्भुत था, प्रभु सही में उनके अंदर वास करने लगे हैं, यह मुझे प्रतीत हुआ। हृदय में ठाकुर का निवास निरंतर हो रहा है। सुंदर दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद आया टिकट के समस्या जो आप बोले थे, मुझे याद आया आज से 98 की बात है, बैंक से हम लोग को मिलता था LTC, मैं आसाम बंगाल उड़ीसा का भ्रमण में गया, वहाँ के सब मंदिरों में भी गया। जब मैं पूरी आया, पूरी मेरा टिकट जो पहले से अग्रिम कटा हुआ था भुवनेश्वर से पटना का टिकट, ट्रेन पकड़ वही था सेम ट्रेन पटना पूरी एक्सप्रेस भुवनेश्वर में, मैं सोचा कैसे टिकट क्या करें, रेलवे में बड़े अफसर थे मेरे भनोई, उनसे बोला एक टिकट कटा लीजिए उसी क्लास का, आप कैसे ट्रेन बैठ जाएंगे। जब ट्रेन में टिकट में बैठे चिट्ठी आया, फिर कहा कि आपका पूरी से आप कैसे बैठ गए, गलत है आप उतर जाएंगे। इतने में बीच में बगल में उसके बाद चला गया, मैं जल्दी खाली की, मेरे बातचीत होने लगा, बोले मैं भी बैंक में परिवार हो, मैं जहाँ स्वभाव था बहू की चर्चा, हमने कहा ठाकुर का चर्चा मैंने शुरू कर दिया, ठाकुर हम लोग साथ 24 घंटा है, हम लोग चिट्ठी आया है बताया है, बोला कि हम आते हैं पुनः, फिर देखेगा ठाकुर हम लोग को रक्षा करेंगे, बहुत परेशानी नहीं हुआ। इतना मैं चर्चा करता रहा था, मैं टीटी आया, हम लोग को देखा कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया। रास्ते भर उससे ठाकुर की चर्चा होते रही, मुजफ्फरपुर के थे, फिर हम बिहार से उत्सव था, मैंने कहा बिहार से महोत्सव है, हम उसमें मैं लीडिंग रोल होता है, अगर बख्तियारपुर में ट्रेन रुक जाता तो हम उतर जाते हैं, नहीं तो बिहार से पटना जाएंगे, पटना से आने में समय लगेगा, एक दिन का बर्बादी होगा। मैं सारा सामान ट्रेन के गेट के पास रख दिया, पूरा परिवार भी आ गया, इतना में बख्तियारपुर में ट्रेन रुक गया, वो आदमी जो हमारे साथ थे सारा सामान को उतारे, नीचे उतर बोले जय गुरु दादा, मैं भी जाकर मुजफ्फरपुर में दीक्षा लूंगा, इनका नाम बताया मैंने उस समय RS बेलगामी था, मैंने नाम दिया। प्रभु अपने शिष्य के साथ हर पल है, बशर्ते हम प्रभु के प्रति अनुरक्ति हो, भक्ति हो, उनको काम के करने की इच्छा हो, तब प्रभु मैं साथ प्रभु को काम पे आ रहा है तो बोलने से रहूंगा। अति सुंदर प्रसंग दादा, जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है, इतने सुंदर ढंग से आपने पूरे वर्णन किया, वह हम लोग के यादगार सत्संग हो गया दादा। आपको बार बार मैं नमन करता हूँ अच्छे सत्संग के लिए, इतना सुंदर आपने प्रभु आपके अंदर निवास है ये मैं महसूस करता हूँ। जय गुरु दादा, अति सुंदर, पुनः मैं आपको बुलाता रहूंगा। जय गुरु, अनुरोध करता हूँ डॉक्टर प्रकाश दास से, जय राधे राधे राय, दादा को आभार धन्यवाद, पुनः आएंगे दादा। डॉक्टर प्रकाश दास उपस्थित है, मैं देख रहा हूँ। जय गुरु, जय गुरु दादा, दादा जय गुरु, दादा का भी लिंक डिस्टर्ब है, आवाज ठीक नहीं आ रहा है, मोबाइल से दादा संभव तो ज्वाइन करेंगे मैं समझता हूँ।
नहीं ज्वाइन करेंगे तो राजेंद्र गुप्ता का अनुरोध है, जय राधे राधे गाएं। आपका बच्चा पे डिस्टर्ब ना हो, आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। सेकंड देख लिया जाता है, शुरू करिए राजेंद्र जी। चलिए दादा का आदेश हो गया, शुरू। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे, राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे, चारो रे मन कपट चतुरी पदने बोलो होरी होरी, होरी नाम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म धर्म कुकर्म, चारो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, चारो रे मन भवेर आशा अजप नाम करो रे, निशराधे गोविंद नामटी पदने लइए नयन निरे सदा बासो रे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, चारो रे मन कपट चतुरी बदने बोलो हरि हरि, हरि बो हरि बो हरि बोल हरि बो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि नाम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म धर्म कुकर्म, चारो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, चारो रे मन भवेर आशा अजप नाम करो रे, राधा बो राधा बो राधा बोल राधा बो राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल, राधे गोविंद रामटी बदने लइए नयन निरे सदा बाजोरे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, जय गुरु। अनुरोध करता हूँ आदरणीय दिवाकर झादा से दिल्ली से बने देंगे साथ देंगे आदरणीय रविंद्र गुप्ता दादा। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेम मय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम मय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम मय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम राध्या जगत जननी श्री श्री बोलमा की जय। परम राध्या जगत जननी श्री श्री बोलमा की जय। परम राध्या जगत जननी श्री श्री बोलमा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बोलदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बोलदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बोलदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की
जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृम वंदे आर्य पितृन वंदे मातृवर्गान वंदे मातृवर्गान वंदे हम कृष्ण देवतम वंदे हम कृष्ण दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेम मिले श्री श्री ठाकुर अनुकुचंद्र जी की जय दादा को जय गुरु जय गुरु सभी दादा मां को जय गुरु विशिष्ट अतिथि जी दा और आज के सत्संग में जुड़े हुए सभी ऋषिगण गुरु भाई गुरुबान बच्चे अतिथिगण सब का नियंत्रण आशीर्वाद मिलता है इस मंगल कामना के साथ आप सभी को जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु नारायण दादा जय गुरु जय गुरु नंदिनी जय गुरु जय गुरु नंदिनी जय गुरु जय गुरु नंदिनी जय गुरु जय गुरु दादा दादा को जय गुरु जय गुरु दादा दादा मां को जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु दादा सभी दादा मां को जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु छोटा सा बालक